नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है आई ए आर आई जो टेक्नीशियन फर्स्ट जो वैकेंसी है उसी के ऊपर है। ये जो टेक्नीशियन का वैकेंसी है इसका जो फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म का जो डेट है एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। यानी कि अब पहले जो था 10 जनवरी तक था, अब उसको 20 जनवरी तक कर दिया गया है। एक्चुअल में आज हम बात करने के लिए इस पे ये आए हैं कि इसमें आपको जो है आपका जो आज का डेटा बता रहे हैं, आज का 3:10 में कितना फॉर्म इसमें भरा चुका है, कितना रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज शाम में 3:10 पे जो है ये रजिस्ट्रेशन किए हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन जो नंबर है IARI, उसके बाद 15,24,981, इतना जो है रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इतना 15 लाख से ऊपर रजिस्ट्रेशन क्या है हो चुका है, और अभी भी यहाँ से 8 दिन है फॉर्म भरने के लिए। यानी कि आप मोटा मोटी मान करके चलिए कि हम जहाँ तक लगता है कि 20 लाख अप्रोक्स जो है फॉर्म ये भरा जा सकता है, अप्रोक्स जो है 20 लाख जो ये है फॉर्म है ये भरा जाएगा। सीट कितना है, मात्र 641 सीट है। मात्र कितना सीट है, 641 सीट है। और ये आपको फॉर्म जो है 15 लाख तो अभी ही भरा जा चुका है, रजिस्ट्रेशन आज का रजिस्ट्रेशन है 15,24,981, आज शाम 3:10 का है। यानी कि अगर ये 20 जनवरी तक जाएगा, ये फॉर्म अभी फिल होगा, तो उस समय तक आप मान करके चलिए कि अप्रॉक्स जो है एटलीस्ट 20 लाख जो है फॉर्म फिल हो चुके होंगे उस समय तक। तो इतना बहुत बड़ा अमाउंट हो गया ये 641 वैकेंसी के लिए। और दूसरा चीज़ ये है दोस्तों कि अब यहाँ से ये आप समझ लीजिए कि जो एक एग्ज़ाम डेट जो बताया गया था आयोग के जरिए कि 25 जनवरी से लेकर के 5 फरवरी तक हो सकता है एग्ज़ाम, तो अब ये कतई पॉसिबल नहीं है कि आपको 20 लाख लड़कों का एग्ज़ाम सेंटर 5 दिन के अंदर में जो है बताया जाए या उसका एडमिट कार्ड अपलोड किया जाए। तो एडमिट कार्ड कभी भी अपलोड किया जाता है तो एटलीस्ट कम से कम 10 से 15 दिन का टाइम उसको मिलता ही मिलता है। एग्ज़ाम सेंटर कहाँ एग्ज़ाम होना है, कहाँ एग्ज़ाम नहीं होना है, इन सभी चीज़ को देखते हुए क्या वो कम से कम 10 से 15 दिन का एग्जाम आपको टाइम ड्यूरेशन मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो है अगर 20 तारीख तक अगर फॉर्म ही फिल होगा तो सोचिए कि 25 तारीख से एग्ज़ाम कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आप मान करके चलिए कि ये फरवरी लास्ट में ही एग्ज़ाम होने का संभावना है कि इस मंथ में तो एग्ज़ाम एकदम नहीं होगा, आना आपका एडमिट कार्ड आएगा, या अगले मंथ में ही एग्ज़ाम होने की संभावना है। यानी कि एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन्ड श्योर, मतलब 100% श्योर है कि आपका एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन्ड होगा, वो डेट एक्सटेंड होगा, आगे बढ़ेगा उसका भी, तो एग्ज़ाम नहीं होना है। अब देखिए तीसरा चीज़ है कि कंपटीशन जो है कितना ज़्यादा रहेगा। तो दोस्तों इसमें कंपटीशन अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कंपटीशन जो है इसमें ज़्यादा बढ़ गया है, कंपटीशन इसमें बहुत होगा। जैसे मान लेते हैं कि पहले जो कंपटीशन था, जो पहले पिछला बार 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका कंपटीशन और अब इसका कंपटीशन में कोई तुलना ही नहीं रह गया है, एकदम ज़मीन आसमान का फर्क हो गया है। अभी जो है मान लेते हैं 20 लाख लड़का जो है फॉर्म भरेगा, अभी तो 15 लाख से प्लस हो चुका है, और ये 20 जनवरी आते आते तक जो है 20 जनवरी आते आते तक 20 लाख लड़का जो है फॉर्म भरेगा, 30% लड़का मोटा मोटी मान के चलिए एब्सेंट नहीं होगा, 30% जो लड़का है मोटा मोटी एग्जाम में अपीयर नहीं हो सकता है। वैसे तो 1,000 रुपया फॉर्म दे करके भर रहा है तो अपीयर होने के लिए सोचेगा, लेकिन एक होता है बहुत सारा कंडीशन उस समय आ जाता है तो एग्ज़ाम में बहुत सारा लड़का जो है अपीयर नहीं हो पाता है। 30% भी अगर अपीयर नहीं होगा, यानी कि 6 लाख के अप्रॉक्स, 6 लाख के अप्रॉक्स लड़का जो है अपीयर नहीं होगा, फिर भी जो है 12 लाख अगर लड़का अपीयर होता है, 12 लाख लड़का अगर अपीयर होता है, तो कंपटीशन सोचिए कितना मतलब भयानक होगा। कंपटीशन तो होगा ही होगा, लेकिन जो लड़का जो SSC CGL का तैयारी कर रहा है या NTPC कर रहा है या SSC
जो भी तैयारी कर रहा है एसएससी का, तो वे सब लोग कंपटीशन में है। कंपटीशन भी जो है यहाँ पे टफ होने वाला है। आपको बताया कि 30% लड़का कंपटीशन में जो है नहीं बैठता ही नहीं एक तरह से कहिए। बाकी जो 70% है इसमें से मेन जो 30% लड़का है वही कंपटीशन में रहता है। जो पढ़ने लिखने वाला जो एकदम पूरा फाइटिंग स्टेज में रहता है कि हमेशा जो कोई भी एग्जाम है वो क्रैक करता है, तो इसमें से 30% लड़का जो है वो रहता है। यानी कि मोटा मोटी मान के चलिए 5 से 6 लाख में आपका पूरा कंपटीशन है, और 5 से 6 लाख भी बहुत होता है, मात्र 641 सीट ही हैं। तो आप लोग जो है यही है कि तैयारी को जो है बहुत अच्छे से कीजिएगा। आज का मेन इन्फॉर्मेशन ये था कि आपका 15 लाख से प्लस जो है क्या हो चुका है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और इसको और बेहतर तैयारी करने के लिए जो है अभी से आप लोग जो है खूब मन लगा करके दिन रात एक करके उसको जो है जो भी सिलेबस दिया हुआ है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है उसको पढ़िए, तब जा करके हो सकता है कि आपको सफलता मिले। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।